ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं ये शूट हो रही है सोनी A7III एक 4 लाख के कैमरा सेटअप से। Why you coming at me telling me to get in line? I can see the pride coming up out your eyes. I'm not surprised. How can I do this? You sound like... But agar main kahun tum yahi same quality apne phone se bhi shoot kar sakte ho jisme tum abhi ye video dekh rahe ho. And वो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने तो कहा ही था। और मेरी बात नहीं मानोगे तो किसी मूवी डायरेक्टर की तो बात मानोगे? विशाल भारद्वाज, जिन्होंने दृश्यम, हैदर, डार्लिंग जैसी मूवी डायरेक्ट की है, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की है फुर्सत, जिसको तुम अभी यूट्यूब या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर देख सकते हो। एंड उस शॉर्ट फिल्म में एवरी सिंगल सीन एक फोन से शूट हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने उस शॉर्ट फिल्म का लिंक अपने एक दोस्त को भेजा, जो हमेशा बहाने बनाता रहता था कि यार कैमरा नहीं है तो शूट भी नहीं हो पाएगा। और अब तुम ये बहाने बनाना बंद करो और शूट करो। कैसे, मैं बताता हूं ना। तो सबसे पहले तो योर फोन इज इनफ स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, अपलोड, सब चीज के लिए। तो इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ साथ ये वीडियो अपने फोन में शूट करूंगा। मेरे पास कौन सा फोन है? iPhone 14 Pro। अब तुम बोलोगे तेरे पास तो भाई iPhone है, बट तुम्हारे पास जो भी फोन है मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा तुम उसका फुल पोटेंशियल कैसे यूज कर सकते हो। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ हर चीज नंबर से जज की जाती है। तुम्हारे मार्क्स नहीं, मैं यहाँ पर मेगा पिक्सल की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग बोलेंगे मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, सिर्फ 8 मेगा पिक्सल है यार इसमें। बट वेट, फोन की क्वालिटी तुम मेगा पिक्सल से काउंट नहीं कर सकते, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फोन में कितने मेगा पिक्सल का कैमरा है। हो सकता है तुम्हारे फोन में 48 मेगा पिक्सल हो बट कैमरा में सिर्फ 20, बट वो तब भी उससे अच्छी क्वालिटी देगा। ऐसा क्यों, आगे बताता हूँ। तो रिसर्च और शिफ्ट करने के बाद फोन से सबसे पहले आता है हमारा शूटिंग। अब शूटिंग के टाइम पर हम यहाँ से कैमरा हटाकर यूज करेंगे फोन। एंड इस पॉइंट पर तुम्हें याद रखना है, हमें चाहिएगी प्रॉपर लाइटिंग। तो कैमरा और DSLR में तुम्हें बड़ा लेंस और सेंसर देखने को मिल जाता है जिससे ज्यादा लाइट आ पाती है, बट वहीं पर फोन में होता है छोटा सा कैमरा, छोटा सा सेंसर, जहां पर बहुत ज्यादा कम लाइट आ पाती है। इसकी वजह से तुम्हें फोन और DSLR की क्वालिटी में फर्क पता लग पाता है। तो हमारा सबसे पहला मेन पॉइंट यही है कि जितना हो सके उतनी ज्यादा लाइट में शूट करना। अब यहाँ पर तुम सूरज की किरणों में शूट कर सकते हो, और या फिर तुम्हें अपने रूम या स्टूडियो में शूट करना है तो कम से कम 45 वॉट की लाइट लगेगी, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखी है। और इसको तुम्हें फिर सॉफ्ट करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर गोडॉक्स का डॉम यूज किया हुआ है। और ये कुछ ज्यादा महंगी लाइट नहीं है, ये सिर्फ एक बल्ब है 45 वॉट का, जैसे तुम्हारे घर में लगे होंगे, इतने ज्यादा वॉट का नहीं बट सेम वही चीज है। और उसके बाद ये एक डॉम आ जाता है सस्ता सा अमेज़न से, जो तुम यूज कर सकते हो। एंड बस तुम्हारा एक प्रॉपर लाइटिंग सेटअप बन चुका है, वो भी 1/3 प्राइस में। उसके बाद सेकेंडरी लाइटिंग के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा रूम है, रिफ्लेक्ट होता है। बस यहाँ पर मैंने मॉनिटर यूज किया हुआ है जिससे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मेरे फेस पे आ पाए, और मैं यहाँ पर कलर चेंज करता रहता हूँ और इसकी ब्राइटनेस फुल रखता हूँ मैं शूटिंग के टाइम पे। फोन और DSLR में यही फर्क होता है कि तुम डार्क सीन ज्यादा अच्छे से फोन से शूट नहीं कर पाते हो, या फिर तुम जब रात में शूट करते हो बहुत ज्यादा ग्रेन्स आते हैं। तो दिन में शूट करो, जब लाइटिंग अच्छी हो तब शूट करो। तुम घर के बाहर शूट कर सकते हो, छत पर शूट कर सकते हो। देन उसके बाद चाहिए तुम्हें एक ट्राइपॉड, जो कि बहुत ही सस्ता आ जाएगा। बट ये सब छोड़ो, सबसे मेन पॉइंट तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, हमेशा शूट करने से पहले अपने कैमरा लेंस को अच्छे से साफ कर लो। किसी पुराने टी-शर्ट से कर सकते हो, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से कर सकते हो। अब इतनी बार फोन हम अपनी पॉकेट से निकालते हैं, पूरे दिन हाथ में रख के इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो कैमरा पे कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट आ ही जाता है। तो हमेशा याद रखो, शूट करने से पहले अच्छे से क्लीन कर लो लेंस को, जिससे जब तुम शूट करोगे तो वहां पर तुम्हें कोई भी ब्लर या फिर लेंस फ्लेयर देखने को नहीं मिलेगा। एंड नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी फोन की कैमरा सेटिंग्स पर, तुम्हें क्या रखनी है और मैं क्या रखता हूँ। तो तुम्हें शूट करना है 1080p 60fps पर या फिर 1080p 24fps पर। अब मैं यहाँ पर भी 1080p 60fps पर शूट कर रहा हूँ, जिससे मैं अगर चाहूँ तो ये वीडियो मैं अपने फोन में ही एडिट कर सकता हूँ या फिर अपने PC में भी। 4K में स्विच करने का ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, स्टोरेज ज्यादा लेगा तुम्हारे फोन की, उसको एडिट करने में दिक्कत आएगी। एंड बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे लोग होते हैं जो 4K में तुम्हारी वीडियो YouTube पर देखते हैं। दूसरा पॉइंट FPS, अगर तुम 60fps पर शूट कर रहे हो तो तुम उस वीडियो को स्लो कर सकते हो, तो यानी कि B-roll, सिनेमैटिक शॉट्स तुम अपने 60fps पर लो और बाकी वीडियो तुम 24 या फिर 30fps पर भी शूट कर सकते हो। याद रखो, 60fps को तुम 40% तक स्लो कर सकते हो और 30fps को तुम स्लो कर सकते हो 80%। अब ये कुछ सेटिंग्स है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, और अगर तुम भी iPhone से शूट कर रहे हो तो तुम्हें ये ऑन कर लेनी है। सबसे पहले हाई एफिशिएंसी हटाकर इसको मोस्ट कंपेटेबल पे कर लो, तो इससे तुम अपनी फाइल कहीं पर भी मूव कर सकते हो, विंडोज, PC, मैक, आईफोन, एंड्रॉइड, और वो हर जगह प्ले होगी। दूसरी सेटिंग है यहाँ पर PAL फॉर्मेट। अगर तुम कभी भी iPhone से शूट कर रहे हो और तुम्हारी लाइट्स फ्लिकर हो रही है तो इसको ऑन कर लो, और तुम उसके
बार 25 FPS पर शूट कर पाओगे, जिससे तुम्हारी लाइट फ्लिकर होना बंद हो जाएगी। उसके बाद ग्रिड ऑन रखो, मिरर फ्रंट कैमरा रखो और व्यू आउटसाइड द फ्रेम, इन तीनों को ऑन कर लो एंड डन। यही सब चेंजेस करने थे बस तुम्हें कैमरा सेटिंग्स में, अगर तुम आईफोन में शूट कर रहे हो। दूसरी बात, फ्रंट कैमरा से कभी मत शूट करो, हमेशा प्राइमरी लेंस बैक कैमरा से शूट करो, जिससे तुम्हारी क्वालिटी थोड़ी शार्प और अच्छी आ पाएगी। वाइड में भी तुम्हें क्वालिटी देखने को थोड़ी कम मिलेगी, जिससे ज्यादा ग्रेन्स बढ़ जाएगी तुम्हारी वीडियो में और वो उतना शार्प भी नहीं लगेगी। तो याद रखो, हमेशा प्राइमरी और 1x पर शूट करो। और हाँ, आईफोन में एक और बग है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद लेंस में स्विच करते हो तो वहां पर तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाएगी, अगर तुम वाइड से दोबारा 1x पर शिफ्ट करते हो। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है जो मैं भी यूज करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करो, फिर स्विच करो, फिर दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करो। एंड हाँ, ये थर्ड पार्टी एप्स को बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं, वहां पर तुम मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो हर एक चीज को, बट इतनी ज्यादा डिटेल्स में क्यों जाना है, अपनी प्राइमरी ऐप से ही सब कुछ रिकॉर्ड करो। एंड अब तुम अपना वीडियो शूट कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, और ऑडियो के लिए तुम, अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है तो आई थिंक ऑडियो में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होगी। फोन में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक होता है किसी और माइक से, क्योंकि फोन भाई बना ही है कॉलिंग के लिए, माइक तो अच्छा हो गई ना। और जैसे कि अब तक मैं तुम्हारे साथ साथ फोन से रिकॉर्ड कर रहा था, तो ऑडियो भी अब तक जो तुम्हें आई है वो इसी फोन से आई हुई है। और जो तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये है मेरी वीडियो कैमरा से और ऑडियो वायरलेस माइक से, तो तुम्हें डिफरेंस पता ही लग गया होगा। बट अगर तुम्हारा कैमरा थोड़ा दूर रखा है ट्राइपॉड पे और तुम कैमरा से बहुत दूर हो, तो तब तुम्हारी आवाज नहीं आ पाएगी अच्छे से। वहां पर तुम यूज कर सकते हो एक दूसरा फोन, या फिर तुम यूज कर सकते हो इस तरह का लैब माइक जो तुम्हारे कॉलर पे लग जाता है, कॉलर माइक भी कहते हैं इसको, और इसको भी तुम अपने फोन से कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। ये भी बिल्कुल सिमिलर ऐसी साउंड देगा जैसी तुम्हारा इस टाइम फोन देता है, और ये बहुत सस्ता भी आ जाता है और बहुत लंबी वायर के साथ। अब कुछ बातों का ध्यान रखना, तुम यूज कर सकते हो आईफोन का एक्शन मोड, जो कि हमारी फुर्सत शॉर्ट फिल्म में भी यूज हुआ है, यहाँ पर तुम बिहाइंड द सीन में देख सकते हो, या फिर तुम ट्राई कर सकते हो सिनेमैटिक मोड, जिससे तुम्हें पीछे ब्लर देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम्हारे फोन में ये नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ ये तुम एडिटिंग में कैसे कर सकते हो। अब मेरा सारा शूट खत्म हो गया है, अब मुझे करना है इस वीडियो को एडिट, तो मैं इसके लिए यूज करूंगा एक फोन की ऐप, और वहां पर हम इस वीडियो में कट लगाएंगे। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ VN ऐप का, और यहाँ पर हम इजिली कट लगा सकते हैं। थोड़ा हम यहाँ पर फिल्टर्स भी देख लेंगे, कलर ग्रेड कह सकते हो तुम उसे। एक ट्रिक बता देता हूँ फोन में एडिट करने के लिए, हमेशा जब भी अपनी क्लिप्स डालो फोन के किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, तो वो सीक्वेंस से डालो, जिससे तुम्हें बाद में अरेंज ना करना पड़े आगे पीछे, क्योंकि तुम बार बार स्लाइड करके वॉल्यूम से देख नहीं सकते कि कौन सा पार्ट कहाँ आना है। तो हमेशा उसका अलग फोल्डर बना लो, मार्क कर लो, कुछ भी करो, बट हमेशा सीक्वेंस से रखो वीडियो। और हम यहाँ पर अपना ऑडियो लेवल देखेंगे और इसमें वीडियो में कट लगाते जाएंगे, स्प्लिट, बाकी पार्ट डिलीट, जहां पर ऑडियो है उसको रख लिया, जहां पर भी तुम्हें गैप देखने को मिलेगा, कोई भी ऑडियो नहीं होगी, उसको हम बिल्कुल वहां से क्रॉप कर देंगे। और VN में एडिट करने की यही ट्रिक है, तुम्हें अपना ऑडियो लेवल देखना है और स्प्लिट करके डिलीट करते जाना है गैप्स को। उसके बाद तुम फिल्टर्स में जाकर यहां पर अपना मनचाहा कोई भी फिल्टर लगा सकते हो, थोड़ी सी उसकी ओपेसिटी कम कर देना, याद रखना उसको फुल 100% पे मत रखो, बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, थोड़ा सा कम कर लो, जिससे तुम्हारी वीडियो थोड़ा सिनेमैटिक दिख पाए। और यहां पर तुम जा सकते हो एडजस्ट में, यहां से मैं विनिएट ऑन कर दूंगा, जिससे तुम्हारे सब्जेक्ट पर फोकस हो पाएगा। विनिएट और फिल्टर करने के बाद तुम्हारी वीडियो प्रोफेशनल दिखने लगेगी, जैसे एक DSLR से शूट हुई हो। और अगर तुम शूट फोन में कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पास लैपटॉप है एडिट करने के लिए, तो तुम वहां पर और भी अच्छी तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम यहां पर इंपोर्ट कर सकते हो अपने वीडियोस को, उसके बाद कलर ग्रेडिंग में जाकर तुम थोड़ा डार्क टोन रखो वीडियो का, जिससे वीडियो ज्यादा शार्प ना दिख पाए। और यहां पर भी तुम विनिएट यूज कर सकते हो अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए, बस यहां पर जाकर अमाउंट को थोड़ा सा कम कर दो, और इस तरह से तुम्हारी वीडियो के चारों ओर थोड़ा सा डार्क एरिया हो जाएगा, जो देखने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अब ब्लर कैसे करें, अपने वीडियो को डुप्लीकेट कर लो, इफेक्ट कंट्रोल में जाकर ओपेसिटी पर एक मास्क बना लो जहां पर तुम्हारा सब्जेक्ट है, और इसका फेदर बढ़ा दो जितना हो सके। फिर नीचे वाली क्लिप पर तुम इफेक्ट डाल सकते हो गॉजन ब्लर, और इसकी ब्लरिनेस ज्यादा मत बढ़ाओ, अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो बहुत ही अजीब लगेगा, थोड़ा सा ब्लर कर सकते हो बस। एंड उसके बाद तुम्हारी फाइनल वीडियो तैयार है। वैसे मैंने जो ये वीडियो कलर ग्रेड करी है अपने फोन वाली, ये तुम्हारे फोन में कंपेटेबल नहीं होगी, मतलब तुम्हारी लाइटिंग के हिसाब से नहीं होगी, लेकिन फिर भी ट्राई करने के लिए मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम ट्राई कर सकते हो और फिर खुद से चेंजेस कर सकते हो। तो एक चैलेंज वीडियो की तरह थी, जहां पर मैंने भी फोन से शूट करा। शूट तो करो, कहीं डालना मत, एक बार लाइटिंग अच्छे से करके देखो, क्या पता अच्छा रिजल्ट आ पाए। और हां, तुम्हें बताने के लिए मैंने लास्ट में थोड़ी सी चीटिंग कर ली पीसी में कलर ग्रेड करके, बट तुम्हारे पास अभी जो है उन्हीं चीजों को यूज करो और वीडियो बनाओ। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी पॉइंट तुम्हें इस वीडियो में अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे पता होना चाहिए तुम्हें क्या सीखने को मिला। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो बनाएं।
बहाने नहीं।